वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्स वी नो। बैटरीज में यूज होने वाले लिथियम मेटल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे, या फिर दुनिया का एक ऐसा मेटल जिसका एक सेंटीमीटर क्यूब का वजन सिर्फ 0.7 ग्राम है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, ऐसे मजेदार जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर वन, दुनिया में मौजूद फलों को उसकी खूबियों और आकार के अनुसार अलग किया जाता है, जैसे कि सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, बेरीज और कई सारे। अब बात करते हैं एक ऐसे फल के बारे में जो बायोलॉजिकली एक बेरी है, जो के है केला। बेरी उस फल को कहा जाता है जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, और आपने केले में देखा ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्ट्रॉबेरीज बायोलॉजिकली बेरीज नहीं है, जो एक्सेसरी टाइप के अंदर आते हैं, क्योंकि उसके बीज फल के अंदर नहीं बल्कि उसके छिलके पर पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर टू, केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज तो सबको होती है और मेटल्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। दुनिया में लगभग 118 मेटल्स मौजूद हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे हल्के मेटल के बारे में, जिसका एक सेंटीमीटर क्यूब का वजन है सिर्फ 0.7 ग्राम्स, और ये स्टील के मुकाबले में 200 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर इस मेटल से घर बनाया जाए तो वो न्यूक्लियर अटैक संभालने की क्षमता रखते हैं। अगर इस मेटल से कंप्यूटर के प्रोसेसर्स बनाए जाएं तो आज के दौर के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स बनेंगे। अगर इसका इस्तेमाल प्यूरीफायर में किया जाए तो ये समंदर के खारे पानी को भी पीने लायक बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्राफीन नाम के एक मेटल की, जिसकी खोज 2004 में एंड्रेजियम और कॉन्स्टेंटिन नोसोलोव ने किया था। नेचर कम्युनिकेशंस के जर्नल के अनुसार 1 ग्राम ग्राफीन से तकरीबन 2 ग्राम गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ग्राफीन का मूल्य है $0.10 पर ग्राम और गोल्ड का मूल्य है $70 पर ग्राम। फैक्ट नंबर 3, 1655 की बात है जब दुनिया ने पहली बार एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीलचेयर को देखा था। इसको बनाने वाला शख्स था स्टीफन फॉफलर, जो कि एक वॉच मेकर था जर्मनी से। फॉफलर ने व्हीलचेयर खुद के लिए बनाया था, जिसके हैंडल और व्हील चेन्स के सहायता से जुड़े हुए थे। इस व्हीलचेयर को फॉफलर ने बनाया था ताकि वो बिना किसी पे निर्भर हुए अपने आप चला सके, जैसे आज हम साइकिल्स को व्हील्स और पेडल्स की मदद से चला पाते हैं। इसकी ये खोज दुनिया की पहली नवीनताओं में से एक है, जो कि फिजिकली हैंडीकैप लोगों की मदद करता है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में मौजूद एक और मेटल है जिसे यूरेनियम कहा जाता है। ये मेटल सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल होता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मेटल को अगर गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल की जगह इस्तेमाल किया जाए तो उस वाहन में तकरीबन 3 से 5 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं होगी। यूरेनियम में इतनी क्षमता होती है कि 450 ग्राम यूरेनियम एक बड़े से सबमरीन या एक एरोप्लेन को भी ऊर्जा दे सकता है। यूरेनियम के इस्तेमाल से एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, लेकिन यूरेनियम के इस्तेमाल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये पदार्थ फुल्ली रेडियो एक्टिव है। इसी वजह से अगर इसको वाहनों में इस्तेमाल करते हैं तो पारिरक्षण और सुरक्षा में ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये पदार्थ रेडियो एक्टिव है, जिससे विस्फोट होने के चांसेस भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 5, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान के शरीर से वेस्ट या एक्सेस पानी को बाहर निकाला जाता है, जो कि किडनी का बेसिक फंक्शन होता है, और डायलिसिस उसका विकल्प। 1993 में नैनजिंग शहर, जो कि चाइना में है, वहां पर डायलिसिस करने की बेसिक लागत लगती थी $80, जो कि लगभग 6674 रुपए होते हैं। उस साल में हु सांग वांग नामी एक शख्स को किडनी फेलर डायग्नोस हुआ। इसकी माली हालत कम थी, लेकिन इसके फैमिली और इसने खुद किसी तरह से डायलिसिस के खर्चे को संभाला, लेकिन एक वक्त के बाद फैमिली ने भी इसका साथ छोड़ दिया। तो इसने सोचा कि क्यों ना डायलिसिस मशीन घर में बनाई जाए। तो इसने एक टेक्स्ट बुक, किचन की कुछ चीजें और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ एक होममेड डायलिसिस मशीन बना लिया। उसके जरिए वो पूरे 13 साल तक जिंदा रहा, जिसके बनाने की लागत सिर्फ $10 की थी। फैक्ट नंबर 6, एलईडी, जो के है लाइट एमिटिंग डायोड। आज हमारे आसपास हर जगह में एलईडीज मौजूद हैं, जैसे कि एलईडी टीवी, मोबाइल के स्क्रीन्स, घर के बल्ब्स और अन्य उपकरण। आप सबको लगता होगा कि एलईडी का आविष्कार हालिया दौर में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। एलईडी का आविष्कार 1962 में निक होलानियाक जूनियर ने बनाया था, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक नाम के एक एनर्जी सोर्स बनाने वाली कंपनी में काम करता था। होलानियाक ने पहला एलईडी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे काम करते वक्त बनाया था। आगे चल के एलईडी पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए गए, जिससे कि आज हम एलईडी को इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 7, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक ऐसे मेटल के बारे में जिसे मेडिसिन, एनर्जी सोर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में यूज किया जाता है। ज्यादातर बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के लाइटेस्ट मेटल में से लिथियम भी एक है। ये पृथ्वी के सतह में पाया जाता है। ये ज्यादातर बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में पाया जाता है। लिथियम का इस्तेमाल मेडिसिन में भी होता है। ये बाइपोलर और डिप्रेशन के मरीजों के दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल होता है। लिथियम को पानी के साथ किसी तरह से मिलाया जाए तो विस्फोट हो जाता है, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है और ज्यादा गर्म भी हो जाता है। इसी कारण से लिथियम को ऑयल में स्टोर किया जाता है। 20वीं सदी में लिथियम का इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता था, लेकिन आज इसे कैफीन से रिप्लेस कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 8,
चलते हैं इस वीडियो के आखिरी फैक्ट की तरफ। अब जानते हैं समुद्र में स्थित एक ऐसी जगह के बारे में जो कि जमीन से पूरे 2688 किलोमीटर दूर है, जो कि है साउथ पैसिफिक ओशन में, जिसे पॉइंट निमो के नाम से जाना जाता है। पॉइंट निमो की सबसे एक्सट्रीम डेप्थ है 4000 से 5000 मीटर्स, जो कि है 13 से 16000 फीट। जमीन से इतनी दूर रहने की वजह से स्पेस और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाली कंपनीज इसे डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्पेस सैटेलाइट्स और न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स हार्मफुल होते हैं। पॉइंट निमो, ये नाम जूल्स वर्न्स, जो कि एक नॉवेल लेखक है, इसकी किताब 20,000 लीग्स अंडर द सी के एक कैरेक्टर से लिया गया है, जिसका नाम था कैप्टन नीमो। ये दुनिया की यूनिक लोकेशंस में से एक है, क्योंकि यहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं। तो ये थी आज की कुछ अनोखे फैक्ट्स। ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching, Universe We Know.